व्हाट्स एप एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो डिबेंचर्स के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे प्रैक्टिस करे होंगे अभी बारी आ गई है कैश फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसमें हर तरीके का क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है कोशिश करना जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो इन केस हो जाए तो बहुत अच्छा ना हो तो फिर मेरे साथ साथ समझ के चलना चलो जल्दी से शुरू करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े डिफरेंट है थोड़े अलग है और जहां पे आपसे गलती हो सकती है चलिए लेट्स विज्ञान

तो हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन लिख लेता हूं मैं और हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है ठीक है सर पर्टिकुलर्स अमाउंट ऊपर लिख दूंगा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना हो तो आपने अगर बेसिक्स देखे होंगे आपको समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तीन चीजों का खेल है कौन कौन सी तीन चीजें हैं सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम अलग से कैलकुलेट भी करेंगे उसके बाद हम यहां पे करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लीज फुल फॉर्म यूज करना वर्किंग कैपिटल चेंजेस और इसको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है अब आपको क्या करना होता है यहाँ पे याद रखना कि एडजस्टमेंट करनी है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की जिसमें करंट लाइबिलिटी का सीधा सीधा हिसाब किताब है यानी करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो हम भी बढ़ा देंगे कम हुई तो हम भी घटा देंगे करंट एसेट बढ़ा तो हम कम करेंगे कम हुआ तो हम बढ़ाएंगे ठीक है ऐसे चलना है चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए एक वर्किंग नोट बना लेता हूं छोटा सा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या क्या करना पड़ेगा करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप टी आई पी पी याद है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या डेटा था सबसे पहले मुझे पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है कितना कितना एट्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रिवियस ईयर ठीक है एट्टी करंट ईयर और ट्वेंटी फाइव प्रीवियस ईयर तो इसको यहाँ लिख देते हैं एट्टी माइनस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो ये आ गया आगे चलते हैं और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास अब हमें दिया हुआ है डेप्रीसिएशन अब देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है पहले मैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स ही देख लेता हूं ठीक है जैसे डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बारह पांच सौ ये मुझे प्लस करनी पड़ेगी एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल ये भी एक वही आइटम है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग गुडविल राइट ऑफ हुआ ये भी प्लस करना पड़ेगा इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है तो ये भी हमें वापस से बैक करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या टैक्स पे कोई एडजस्टमेंट है कोई एडजस्टमेंट नहीं है अब यहाँ पे ध्यान देना अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या टैक्स पेड दिया हुआ है टैक्स पेड भी नहीं दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स को ही हम लोग टैक्स पेड भी मानेंगे यही टैक्स पेड होगा यही प्रोविजन फॉर टैक्स होगा चलो पहले इसी को एडजस्ट कर लेते हैं डेप्रीसिएशन गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस बारह 8000 20000 आठ हजार बीस हजार बारह आठ हजार बीस हजार बारह आठ हजार बीस हजार ये हम ऐड करेंगे यहां पे डेप्रीसी गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये सभी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस प्लस होते हैं इनकम्स और गेन्स माइनस होती हैं ठीक है थीके? ये हम यहाँ प्लस कर देंगे बारह हजार पांच सौ आठ हजार बीस हजार प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स था बेटा जी 8000-12000 15 15000 का प्रोविजन फॉर टैक्स था तो 15000 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है प्रोविजन फॉर टैक्स 15000 ही हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और यही 15000 यहाँ सबसे नीचे इनकम टैक्स पेड़ में माइनस होगा इनकम टैक्स पेड़ यही 15000 यहाँ पे

ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले थर्टी थाउजेंड का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये हो गया यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड कोई है नहीं तो इन्हें हम खाली छोड़ देंगे बस यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा अभी देखते हैं उससे पहले हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाली चीजें एडजस्ट कर ले जरा क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास चेक करते हैं देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है चेक करते हैं एक तो दिया है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक करंट लाइबिलिटी होती है इसके बारे में बैलेंस दिया हुआ है चेक करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं करंट एसेट हैं ओके सबसे पहले हम ये दो एडजस्ट कर देते हैं ट्रेड रिसिवेबल करंट एसेट है कम हो गया एसेट में उल्टा चलता है कम हुआ तो आप प्लस करोगे ट्रेड पेबल इसमें सीधा सीधा चलता है ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है कम हुआ तो आप माइनस करोगे ठीक है तो बाईस आठ सौ प्लस फोर्टी सेवन हंड्रेड माइनस ओके बाईस आठ सौ प्लस फोर्टी सेवन हंड्रेड माइनस बाईस आठ सौ तो प्लस फोर्टी सेवन हंड्रेड माइनस हो गया, फोर्टी सेवन हंड्रेड क्यों माइनस हुआ क्योंकि डिक्रीज इन ट्रेड पेबल था ये कंफर्म कर लू मैं एक बार ड्रीज इन ट्रेड पेबल डिक्रीज इन ट्रेड पेबल यस और डिक्रीज इन ट्रेड रे था ये ये था डिक्रीज इन ट्रेड एसेट एसेट कम हुआ तो हमने जोड़ दिया लाइबिलिटी कम हुई तो हमने माइनस कर दिया उसके बाद अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो शुरू में कितने थे पांच हजार लास्ट में हो गए सिक्सटी फाइव हंड्रेड बढ़ गए करंट लाइबिलिटी बढ़ गई शुरू में पाँच हजार लास्ट में सिक्सटी फाइव हंड्रेड बढ़ गए तो पंद्रह सौ आप भी बढ़ा दो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पंद्रह सौ रुपये इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पंद्रह सौ रुपये आप बढ़ा दो ये माइनस है ये प्लस है ठीक है उसके बाद लास्ट क्या बचा हमारे पास लास्ट बचा सर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं बच्चों ध्यान देना जरा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं आपको वो दिए हुए हैं फर्स्ट अप्रैल इक्कीस के दो हजार और कुछ नहीं बताया हुआ कि 2022 में क्या हुआ 2022 के बारे में कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि ये प्रीपेड थे प्रीपेड का मतलब 21 में किसका पैसा दे दिया गया होगा 2022 का पैसा दे दिया गया होगा राइट right? तो अगर 21 में 22 का पैसा दे दिया तो 22 में जाके जीरो हो गया ये एडजस्ट हो गया ना राइट अगर मैं इस साल अगले साल का पैसा दे देता हूं तो अगले साल में तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी ना कोई प्रीपेड बचेगा ही नहीं क्योंकि वो है ही उसी साल का तो यहां पे अगले साल में प्रीपेड एक्सपेंसिस शून्य हो जाएंगे इसका मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंसिस भी कम हो गए डिक्रीज हो गया है तो दो से डिक्रीज हो गया प्रीपेड एक्सपेंसिस आपका एसेट होता है दो से एसेट हुआ है कम दो से एसेट हुआ है कम तो हम प्लस करेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 हम ये भी प्लस कर देंगे यहाँ एक फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे बस अब हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट हमें एनपीबीटी का वैल्यू चाहिए सबसे पहले Uh, कितना कितना आ जाता है एट्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टी फाइव आ गया प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस पंद्रह हजार ये तो आ गया वन लाख रुपीस एक लाख रुपए का तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पन लाख रुपीस फिर हमने एडजस्टमेंट करी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एक लाख प्लस बारह पाँच सौ प्लस आठ हजार प्लस बीस हजार एक लाख चालीस हजार पाँच सौ एक लाख चालीस हजार पाँच सौ ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फिर ये सब एडजस्ट करो पंद्रह सौ माइनस फोर्टी सेवन हंड्रेड प्लस दो हज़ार प्लस बाईस हज़ार आठ सौ यह आ जाएगा इक्कीस हजार छः सौ पॉजिटिव का इक्कीस हज़ार छः सौ पॉजिटिव का आया प्लस इसमें ये जोड़ो वन फोर्टी फाइव हंड्रेड तो आपके पास वन सिक्सटी टू थाउजेंड वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड हो गया इसमें से पंद्रह हज़ार माइनस कर दो तो आ गया वन फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ये आपका फाइनल वैल्यू आया बच्चे इसको हम क्या बोल देंगे इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लो जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड इसका आप पूरा आराम से स्क्रीन शॉट लो और आराम से इसको सॉल्व करके देखो कि क्वेश्चन नंबर वन हो रहा है या नहीं हो रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये तो हो गया हमारा सवाल अब चलते हैं हम hmm. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ तो हमारे छोटे क्वेश्चन ऑपरेटिंग का देख लिया आपने कैसे करना है अब देखते हैं क्या इन्वेस्टिंग का हमारे पास कोई क्वेश्चन है बढ़िया आओ सर इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन चेक करो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं अब इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन में क्या करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन जब आता है इस तरीके का छोटा तो देखो क्या बनता है प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट प्राइस दी हुई है ठीक है

पेटेंट का भी एडजस्टमेंट आ गया तो पेटेंट का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा तो सर यहां पे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो गुडविल गुडविल है goodwill बस 20 की होगी, 80 से एक लाख होगी शुरू में एट्टी थाउजेंड की गुडविल थी वन लाख की गुडविल हो गई है तो गुडविल परचेज तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एट्टी से वन लाख हुआ तो ट्वेंटी का गुडविल परचेज हुआ होगा शुरू करते हैं गुडविल में बच्चों याद रखना कि आप अगर गुडविल कम होता है उसको हम गुडविल रिटर्न ऑफ मानते हैं और वो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है लेकिन अगर गुडविल बढ़ गया तो उसको हम गुडविल परचेज मानते हैं ठीक है ये आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट अब हम क्या बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बेटा जी क्या क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दो आइटम्स आती हैं एक तो फिक्स एसेट्स जिसको हम आजकल प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट बोलते हैं और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ठीक है याद रखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं फिक्स एसेट्स में सभी टेंजिबल इंटेंजिबल सब कंसिडर करे जाएंगे और राइट right. अब हम बात करते हैं सीधा सीधा नोट्स कितने बनाने पड़ेंगे नोट नंबर वन एक तो बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ठीक है सर ओके फिर बनाते हैं नोट नंबर टू नोट नंबर टू एक्यूमिलेटेड डेप्रीसी का अकाउंट एक्यूमलेटेड डेप्रीसी का अकाउंट फिर बना देंगे हम नोट नंबर थ्री नोट नंबर थ्री यहां पे हम बना देंगे पेटेंट का अकाउंट ठीक है अब देखो उससे पहले गुडविल तो मुझे साफ-साफ दिख ही रहा था कि गुडविल परचेस्ड है तो यहाँ वो तो लिख ही दूं आजा भाई क्या बात हो गई गुडविल परचेस्ड ₹80000 से 1 लाख हुआ था ना तो ₹20000 का आपका पैसा चला गया गुडविल परचेस्ड आ गया है तो सीधा-सीधा गिवन था गुडविल बढ़ा 80 से 1 लाख हुआ 20 का हमने खरीदा होगा प्लांट मशीनरी चेक करते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन देखो एसिट है बच्चे एसिट का डेबिट साइड में बढ़ता है क्रेडिट में कम होता है ये नेचर है तो याद रखना ये नेचर कैसे पता चलता है क्लियर वाले रूल से सी एल ई ए आर ये है कैपिटल लाइबिलिटी एक्सपेंस एसिड रेवेन्यू ठीक है कैपिटल लाइबिलिटी एक्सपेंस एसिट रेवेन्यू ये जो दोनों होते हैं एसिड और एक्सपेंस ये डेबिट में बढ़ते हैं क्रेडिट में कम होते हैं कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू ये जो तीनों है ये डेबिट में कम होते हैं क्रेडिट में बढ़ते हैं तो इनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है ओके टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग आ गए अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड एप्रीसी की बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन ये बीइंग लाइबिलिटी लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा देखो लाइबिलिटी है ना सी एल लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में क्रेडिट में बढ़ते हैं ना एसेट डेबिट में ओके okay. पेटेंट की बात करें फिर से एसेट है तो ओपनिंग इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन क्लोजिंग इधर बाय बैलेंस कैरेट डाउन सर हम ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं अकाउंट इसलिए बना रहे हैं बच्चे क्योंकि इसमें ना एडजस्टमेंट दिए हुए जब भी एडजस्टमेंट दिया होता है किसी एसेट पे तो उसका अकाउंट बना लेना चाहिए उससे आसान हो जाती है वैल्यूज फाइंड आउट करना एडजस्टमेंट ना होती तो हमें अकाउंट की जरूरत नहीं थी चलो प्लांट मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दो मुझे कितना है प्लांट एंड मशीनरी तीन लाख ओपनिंग है तीन बीस क्लोजिंग है तीन लाख ओपनिंग है क्लोजिंग है और जो एक्यूमलेटेडिएशन है उसका कितना कितना ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ का 90 है ओपनिंग नाइनटी ,00 है ओपनिंग नाइनटी है देखो ,00 सबसे पहले तो मैंने यही लिख दिया ओपनिंग भर लिया ये तो आपको नेचर है पता होना चाहिए यही काम करना है एसेट का ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर लाइब्रेरी का ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर वैल्यू लिखी है बस कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने इसके अंदर अब अब तुम्हें क्या करना है यहां पे ध्यान से समझो अगर दिया हुआ है करंट ईयर डेप्रिसिएशन अगर क्या दिया हुआ है करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो उसको तो आप यहां पर लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर अगर यह दिया हुआ है तो ये दो प्लस करके ये माइनस करना यहां पे आपका डेप्रिसिएशन निकल आएगा जो कहां ट्रांसफर होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ठीक है अगर ये दिया हुआ है तो ये दो प्लस करके ये माइनस करो ये वैल्यू निकाल लो अगर ये दिया हुआ है तो ये दो प्लस करके ये माइनस करो ये वैल्यू निकाल दो बैलेंस तो हमेशा होगा इन दोनों में से एक होगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों में से एक होगा दूसरा आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालना है ये प्रोसीजर है दिमाग में सेट कर लो ठीक है और जो भी वैल्यू यहां पे होगी वो यहां जाएगी किस नाम से एक्यूमिलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के नाम से आओ देखते हैं अब क्या हमें गिवन है क्या हमें करंट ईयर डेप दिया हुआ है या हमें accumulated depreciation दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया हमने अब देखो डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी थर्टी सिक्स थाउजेंड करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दे दिया थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दे दिया थर्टी सिक्स थाउजेंड तो हमें ये गिवन है सही हो गया 90 और 36 कितना हो जाता है टोटल 126 90 और 36 सिक्स वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन ट्वेंटी सिक्स में से अगर मैं वन लाख हटाऊं तो कितना बचेगा ट्वेंटी सिक्स ये ट्वेंटी सिक्स यहाँ जाएगा सीधा सीधा यहाँ ट्रांसफ़र होगा ये जो वैल्यू है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है ये याद रखना ठीक है परफेक्ट है अब सर ये बैलेंस का हम कुछ करते हैं क्या नहीं इसका कुछ नहीं करते क्या हम इस बैलेंस का कुछ करते हैं नहीं ये ये इधर आ गया और एक इधर आ गया ओके ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है सर इसको बड़े क्वेश्चन में क्या करते हैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा पिछले क्वेश्चन में भी करा था ना ये आ जाएगा देखो चारों चीज़ें पोस्ट हो गई ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते बैलेंस था एक्यूरेटी डेप्रिसिएशन अपने आप दो जगह चला गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये यहाँ आ गया और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा जो हमें बनानी नहीं है फिलहाल चलो और क्या दिया हुआ था क्या सेल परचेज के बारे में कुछ बताया क्वेश्चन ने एक मशीन जिसका बुक वैल्यू बीस हजार था बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में उसकी बुक्स में बीस हजार रुपए की वैल्यू थी इट वाज सोल्ड फॉर सिक्सटीन थाउजेंड बीस वाली मशीन सोलह में बिकी तो लॉस हो गया बीस वाली मशीन सोलह में बिकी तो चार हजार का लॉस है चलो बीस वाली मशीन सोलह में बिकी तो बाय बैंक इधर लिखते हैं बेटा सेल कितने में सोलह हजार रुपए में लॉस उसको बोलते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के नाम से कितना लॉस हुआ चार हजार रुपए का चार हजार का लॉस हुआ बस अब आपको ये सब प्लस करना है ये माइनस करना है तो यहाँ पे आपके पास निकल आएगा टू बैंक जिसको हम बोलते हैं परचेज क्या निकल के आएगा परचेज बैलेंसिंग फिगर में कर दो प्लस एक बार सबको अब बात हो गई पुलिस कहाँ घूम रही है सोलह हज़ार प्लस छब्बीस हज़ार प्लस चार हजार प्लस तीन लाख बीस हज़ार थ्री सिक्सटी सिक्स माइनस थ्री लाख तो ये सिक्सटी सिक्स थाउजेंड का आपके पास परचेज़ निकल जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्या क्या लिखना है एक तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज कितना आया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड परचेज है पैसा गया होगा माइनस कर देंगे और एक से एक सेल भी है एक है प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड कितने का बेचा सोलह हजार रुपये का ये पैसा आपके पास आया होगा अब देखो एक बार अकाउंट को ध्यान से देखो ये बैलेंस है बैलेंस को कहीं नहीं भेजना बैलेंस को कहीं नहीं भेजना जो सेल है ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख चुके हैं एसिड बिका है तो पैसा आया होगा ठीक है ये एक्टिवेटेड डेप है ये कहीं नहीं जाना ये ऑलरेडी एक बार यहाँ आ गया और एक बार ये आ गया ये कहीं नहीं जाना डन ये जो लॉस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ठीक है बैलेंस कहीं नहीं जाना परचेज़ हम लिख चुके हैं परचेज हम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग में ही लिख चुके हैं बस ये डन हो गया आ जाते हैं पेटेंट पे पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ सर और एडजस्टमेंट बताओ पेटेंट पे डन है हमारा क्वेश्चन पेटेंट का दो साठ और एक चालीस टू सिक्सटी ओपनिंग है वन फोर्टी क्लोजिंग है अब पेटेंट के बारे में क्या जानकारी है पेटेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ एट्टी सोल्ड फॉर वन टेन एट्टी वाला पेटेंट एक दस में बेच दिया ठीक है। एक लाख दस हजार में बेचा स्टेटमेंट ऑफ एल प्रॉफिट इधर लिखते हैं <coughs> <coughs> तीस हजार रुपए का सर थर्टी कैसे आया एट्टी वाला पेटेंट एक दस में बेचा ना थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट इधर लिखते हैं ओके अब आप चेक करो कि आपके पास यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है और यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है 260 और 30 290 और इधर आ रही है हमारे पास वन और वन टू एंड चेक करो फटाफट से 250 ठीक है तो यहां पे आपका डिफरेंस आ रहा है इसका टोटल करो 260 और 30 290 तो आपका चालीस हजार रुपए का ये डिफरेंस आ गया तो ये जो फोर्टी थाउजेंड है ये हो जाएगा हमारे पास बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये क्या है रिटर्न ऑफ पेटेंट क्या हो गए हैं राइट ऑफ हो गए हैं क्योंकि सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है है ना तो अब देखो इसमें क्या करना है जो ओपनिंग बैलेंस है सर ये तो कहीं जाएगा नहीं क्लोजिंग बैलेंस है ये भी कहीं नहीं जाएगा जो पेटेंट राइट ऑफ हो गए हैं ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा जो हमें बनाना नहीं है अभी सेल आएगा सेल ऑफ पेटेंट सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा लिखते हैं कितने के पेटेंट बिके हैं एक लाख दस हजार रुपए के वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज के आगे सेल ऑफ पेटेंट वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज के आगे सेल ऑफ पेटेंट पेटेंट बिके तो पैसा आया होगा आपके पास ठीक है उसके बाद क्या है बच्चों नेक्स्ट 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 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वॉट इज दिस दिस इज प्रॉफिट दिस इज़ प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके एडजस्ट होगा और प्रॉफिट हुआ है तो ये माइनस होगा वहाँ जाके बस सॉर्टेड है हो गया हमारा काम फाइनल वैल्यू निकालो आंसर निकालो जल्दी जल्दी से मेरा फोन कहा गया कैलकुलेटर चाहिए हमें सिक्स प्लस ट्वेंटी ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ हमारे पास बैलेंस आ रहा है फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ हमारा आ जाएगा कैश फ्लो अगर नेगेटिव आता तो हम उसको कैश यूज लिखते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से देखो स्क्रीन ले लो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल क्या है ऑपरेटिंग देख लिया आपने इन्वेस्टिंग का भी मैंने आपको अकाउंट वाला क्वेश्चन करा दिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन के पास जिससे हमारे छोटे क्वेश्चंस कैश फ्लो के डन हो जाएंगे मैंने आपको पहले भी बड़े क्वेश्चन भी कराए हैं फिर बड़े पे चलेंगे पहले छोटे छोटे करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ठीक है क्या क्या दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल अब डेट का ध्यान रखना पहले 18 है फिर 17 है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग बहुत क्लियर होना चाहिए ठीक है इसके बाद क्या दिया हुआ है डिवेंचर दिए हुए हैं एक और डिवेंचर दिए हुए हैं इसका मतलब दो बार डिवेंचर है एक बारह के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक दस के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक ओवरड्राफ्ट पिछली बार एक लाख था इस बार एटी थाउजेंड है तो ट्वेंटी का पेमेंट हो गया होगा ठीक है अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या है यानी इसी साल में में बहुत बढ़िया ratio ratio one, company ने दिए का का मतलब मतलब समझ रहे हो two ratio one का मतलब है कि हर दो शेयर पे एक शेयर फ्री दिया गया है यानी अगर आपके पास दस शेयर हैं तो आपको पांच शेयर दे दिए गए हैं और बोनस की फॉर्म में बोनस की फॉर्म में जब कंपनी शेयर देती है तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेती यानी के पास कोई पैसा नहीं आता वो कंपनी अपने रिजर्व में से या पैसा यूटिलाइज करती है क्या लिखा है देखो बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व ओके इसका मतलब हर दो शेयर पे एक शेयर आपको इशू करा गया है फ्री में ठीक है देख लेते हैं अभी 12 परसेंट डिवेंचर रिडीम्ड ऑन फर्स्ट जुलाई <coughs> गला भी खराब हो रहा है एंड न्यू 10 परसेंट डिवेंचर फॉर इशूड ऑन द सेम डेट जो नए डिवेंचर हैं वो इशू करे गए हैं सेम डेट पे डिस्काउंट पे ये इंटरेस्ट में काम आएगा प्रपोज डिविडेंड हमें पे करना है प्रीवियस ईयर का आठ परसेंट पे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी है दस लाख दस हजार रुपए ठीक है जी चलो सबसे पहले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना शुरू करते हैं बढ़िया सवाल है लेकिन ये मजा आ जाएगा ऐसे करके क्वेश्चन नंबर थ्री हमने बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ठीक है फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है सर एक बार रिमाइंड करा दो तो फाइनेंसिंग में बच्चे एनी आइटम रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल और एनी आइटम रिलेटिंग टू लोन्स किसी भी फॉर्म का लोन हो ओवर हो कैश क्रेडिट हो आ, इसके अलावा डिवेंचर हो बैंक लोन हो कोई भी लोन हो सब सभी आने ठीक है चलो अब शुरू करते हैं अकाउंट इसमें कोई नहीं बनेगा बस दिमाग आपका बहुत चलना चाहिए सबसे पहले शेयर्स के बारे में देख ले अब देखो जब शेयर को देखो तो पिछले साल 20 लाख थे इस साल 30 लाख हो गए तो हमें देखते ही लगता है कि सर इशू ऑफ शेयर्स 20 लाख से 30 लाख हुए 10 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारे पास क्या होगा इशू ऑफ शेयर लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों एक कुछ बोनस शेयर भी थे तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोनस शेयर भी थे और वो बोनस शेयर कैसे इशू करे गए थे टू रेशो वन में इशू करे गए थे टू रेशो वन में क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू अपॉन वन हर दो शेयर पे एक शेयर इशू करा गया था सही बात है हर दो शेयर पे एक शेयर इशू करा गया था तो पहले से आपके पास कितने शेयर्स थे पहले से आपके पास थे बीस लाख शेयर्स पहले से आपके पास बीस लाख शेयर्स थे तो क्या आप ये देख सकते हो कि आप नए कितने इशू करे गए होंगे यहाँ पे आएगा न्यू इशु। न्यू इशू इशू ऐसे चेक कर लेना जैसे टू रेशो वन है ना अब दो पहले से थे एक नया दिया गया लाख पहले से थे तो कितने नए दिए गए यह पता होना चाहिए ठीक है तो बीस लाख पहले से थे अब नए कितने दिए गए यह देख लो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा टू न्यू इशू इज इक्वल टू बीस लाख तो न्यू इशू इज इक्वल टू बीस लाख डिवाइड बाय दो तो कितना आ जाएगा न्यू इशू दस लाख रुपए के नए शेयर इशू करे गए हैं इसका मतलब बीस लाख ,00 पे दस लाख नए शेयर दिए गए फ्री में रुपए के रुपए की बात हो रही है ना बीस लाख रुपए में दस लाख ,00 के शेयर और दे दिए गए तो टोटल कितना हो जाना चाहिए तीस और यहां कितना है तीस ही है थर्टी लाख ,00 ही है इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा शेयर और नहीं इशू करा गया जिसपे पैसा मिला हो ये सारे बोनस शेयर की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ा है समझे अगर सपोज यहां पे थर्टी की जगह थर्टी फाइव होता तो हम समझ जाते कि पांच लाख के शेयर ऐसे हैं जो पब्लिक को और इशू करे गए हैं जिससे पैसा आया है समझ गए दस लाख बीस में दस लाख ये बोनस वाला जोड़ो इसके ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा हम क्या मानेंगे कि वो जनता को इशू करा गया जिससे पैसा आया है फिलहाल यहां पे कोई पैसा नहीं आया तो हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे ही नहीं क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश यहां पर ना पैसा आया ना पैसा गया कुछ नहीं हुआ इसे हम जस्ट छोड़ देंगे बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता पता होना चाहिए आपको बोनस शेयर का क्या करना है कैसे करना है ठीक है सॉर्टेड चलो अब आ गया हमारे पास मेन बात जो कि है डिवेंचर डिवेंचर दो प्रकार के हैं बेटा जी क्वेश्चन में एक बारह परसेंट वाले हैं एक दस परसेंट वाले हैं एक का तो पेमेंट हुआ है देखो तीन लाख था इस साल जीरो है बारह परसेंट वाले जीरो हैं बारह परसेंट वाले जीरो हैं तो सबसे पहले तो इनको रिडम्शन करो रिडम्शन ऑफ डिवेंचर रिडम्पन ऑफ डिवेंचर थ्री लाख रुपीज ये हमने पे कर दिया सबसे पहले तो ओके सर डन तीन लाख का तो पेमेंट कर दिया नए डिवेंचर पहले जीरो थे अब पांच लाख रुपए के डिवेंचर हैं तो ये इशू करे गए होंगे क्या लिखा है देखो बारह परसेंट डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन फर्स्ट जुलाई ठीक है एंड न्यू टेन परसेंट डिवेंचर वर इशूड ऑन द दे सेम डेट डिस्काउंट ऑफ पांच परसेंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिबेंचर नए हैं ना ये जो आपके पास लिखे हुए हैं ये पाँच लाख रुपए वाले डिबेंचर पांच परसेंट के डिस्काउंट पे इशू करेगा इसका मतलब सारा पैसा नहीं मिला होगा इसमें पांच परसेंट के डिस्काउंट के बाद पैसा आया होगा तो पांच लाख का पांच परसेंट आप निकालो तो पच्चीस हजार आएगा तो फाइव लाख में से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हटा दू तो फोर सेवेंटी फाइव मिलेगा मुझे राइट तो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो हम लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर्स ये होगा 475 सर 475 कैसे पाँच लाख के डिवेंचर्स थे और पाँच परसेंट के डिस्काउंट पे थे पचास हज़ार दस परसेंट मैं पचास परसेंट ये आ गया हमारे पास फोर सेवेंटी फाइव चलो सॉर्ट हो गया उसके बाद सर और अभी देखते हैं बाकी चीज़ें और क्या क्या दी हुई है। हैं ये हो गया ओवरड्राफ्ट के बारे में चेक करो ओवरड्राफ्ट पिछली साल एक लाख का था अब अस्सी हज़ार रुपये का है एक लाख से अस्सी हज़ार हो गया तो बीस का ओवर का पेमेंट हो गया ट्वेंटी थाउजेंड का पेमेंट हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट पेड बीस हजार रुपये ठीक है सर ये भी पेमेंट हो गया अब एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है वो हमें और चेक करना पड़ेगा यहाँ से हमने सारी चीज़ें देख ली ओके अब जरा एक बार एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं ये हमारा काम हो गया ये हमारा काम हो गया ये हमारा काम हो गया ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स का काम हो गया 12 परसेंट डिवेंचर रिडीम्ड ऑन फर्स्ट जुलाई अब ये चीज देखने वाली है बेटा हम लोगों का जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट अप्रैल 17 से और खत्म हो रहा है थर्टी मार्च 18 पे ठीक है ये बात तो सबको समझ में आती है साल के शुरू में मेरे पास ये थ्री लाख रुपीज के डिबेंचर थे साल के शुरू में मेरे पास ये तीन लाख रुपए के डिवेंचर थे और ये थे बारह परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से

और तीन महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा इस पर क्योंकि पेमेंट का हुआ लोन का फर्स्ट जुलाई पे तब तक का इंटरेस्ट तो दोगे ठीक है अच्छा जी और आगे क्या लिखा हुआ है जो नए दस परसेंट डिवेंचर है कितने के पांच लाख रुपए की फोर सेवेंटी फाइव में इशू करे मैंने आपको डिवेंचर के क्वेश्चन कराए थे उसमें भी समझाया था इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है ये फर्क नहीं पड़ता कि डिबेंचर कितने रेट से इशू या रिडीम करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीमियम पे है या कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिस्काउंट पे है या पार पे है आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो किस रेट से पे करना है इंटरेस्ट पे करना है आपको फेस वैल्यू पे ओके तो पांच लाख रुपए के हमारे पास ये डिवेंचर है और ये सेम डेट पे इशू करे गए थे तो साल में अब कितने महीने बचे नौ महीने बचे तो जो आप पांच लाख पे इंटरेस्ट दोगे वो तो इनपे तीन महीने का ब्याज देखे खत्म करो फिर ये वाले डिवेंचर यहां इशू करेगा ये तो इस साल में अब कितने महीने बचे थे नौ महीने बचे थे तो इसपे इंटरेस्ट नौ महीने का बचेगा ठीक है जी प्रपोज डिविडेंड में अभी देखता हूँ पहले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर लें जरा क्या बैठता है हमारे पास इंटरेस्ट तीन लाख पे बारह परसेंट तीन महीने ये तो आ गया नाइन थाउजेंड और पांच लाख पे दस परसेंट और नौ महीने ये आ गया थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर का टोटल अमाउंट लिख दूंगा 46,500 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें इसमें कंफ्यूजन था या नहीं था जरूर बताना ये क्वेश्चन तीनों बड़े शानदार क्वेश्चन हैं मैंने वही वही क्वेश्चन पिकअप करे हैं जहाँ गलती हो सकती है सिंपल क्वेश्चन तुमने कर लिए सारे वो हो भी जाएंगे इनमें गलती होती है फोर्टी का बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया जल्दी से स्क्रीन ले लो फिर ये हट जाएगा डन का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 46,500 ये हम माइनस करेंगे वो जो पीछे कैसे कैलकुलेट करके दिखाया वो आप वर्किंग नोट्स में दिखाओगे बिना दिखाए काम नहीं चलेगा नहीं तो नंबर कट जाएंगे ठीक है जी ये भी हो गया सर अब ये हो गया ये हो गया प्रपोज डिविडेंड बता दो बस प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड थर्टी मार्च वॉज पेड आठ परसेंट के हिसाब से प्रपोज डिविडेंड देना है बीस लाख रुपए पे बीस लाख पे आठ एक साठ डिविडेंड पेड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ये हो गया और एक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है सर वो तो वैल्यू में ही गिवन था थर्ड एडजस्टमेंट में अगर बेटा जी ये डिविडेंड के बारे में प्रीवियस ईयर ना भी बोलता ना तब भी हमें इसी पे देना था सही है करंट ईयर पे हम कभी नहीं देते इस साल में इंटरेस्ट पेड ऑन ओवर ड्राफ्ट दस हजार चलो सर इंटरेस्ट पेड ऑन ओवर ड्राफ्ट है दस हजार अब देखो ये सारी आइटम शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड है यही आई ठीक है बस हो गया काम अब निकाल लो जरा वैल्यू यार क्या आ रही है थ्री लाख नेगेटिव का है पहले मैं नेगेटिव नेगेटिव वाले जोड़ लेता हूँ बीस हजार फोर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड एक लाख साठ हजार दस हजार फोर सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव वाले ज्यादा हैं अब देखो नेगेटिव आ गया तो इसको क्या लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस बात का याद रखना जब भी नेगेटिव आए तो क्या लिखना है कैश यूज ठीक है दिस इज डन जल्दी से इसका स्क्रीन ले लो और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है तो ये थे बच्चे हमारे पास छोटे क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पे अब मैं चाहता हूं कि तुम लोगों ने एक बार देख लिए रिवीजन आपने कल कर लिया था कॉन्सेप्ट का बिफोर डूइंग बड़े क्वेश्चंस आप एक बार जाओ जो भी आपके पास किताब है किताब खोलो और एक बार फटाफट 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 ओवर ओवर चेक करो चेक करो चेक करो एक तरीके से ऊपर से चेक करो कि आपके सारे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्या हमारे सारे छोटे क्वेश्चंस हो गए उसको फटाफट से एक बार देखते चलो इसके बाद में आपको मिलता हूं थोड़ी देर के बाद अभी हमारे पास आपके पास ये वीडियो आएगा लगभग दो बजे तो हम लोग एक काम करते हैं हम आपको मिलते हैं चार बजे विद बड़े क्वेश्चन कुछ बड़े क्वेश्चन में आपको बताता हूँ चार बजे उसके बाद आपको आज इशू ऑफ शेयर अच्छे से प्रैक्टिस करना है और नौ बजे हम इशू ऑफ डिवेंचर के कुछ और क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं राइट आज हम ये चीजें पक्की करके चलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर इशू ऑफ शेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीन टॉपिक्स आपको आज खत्म करके चलने हैं अकाउंट्स है टाइम लगता है बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा सब कुछ मत करो भाई जल्दी मत करो मैंने बहुत प्लान करके शेड्यूल बनाया क्योंकि मुझे पता है अकाउंट्स है तुम नहीं कर सकते भैया एक दिन में दो दिन में इतना सारा काम आराम से करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रैक्टिस करके चलो लिखना पेन चलाना ठीक है अब छोटे क्वेश्चन करो दो घंटे बाद में आ रहा हूं बड़े क्वेश्चन का आज फ्लो के लेके ऑल द वेरी बेस्ट